हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी हो, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो या आईटीबीपी ट्रेड्समैन, कोई भी भर्ती हमारा है उसमें यदि आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो ये आपका राइट बनता है, अधिकार बनता है आपका। ये आपके हमारे संविधान में आपको अधिकार दिया गया है, हमें अधिकार दिया गया है कि हम रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब रिट याचिका को साधारण भाषा में कोर्ट केस बोला जाता है। कोर्ट केस जहाँ भी बात आती है वहाँ पर हर आदमी वो सोचता है कि कोर्ट केस में तो बहुत लंबा समय लग जाता है, कोर्ट में तो सालों लग जाते हैं, कोर्ट में कोई न्याय नहीं मिलता। इस तरह की भ्रांतियाँ हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठी हुई रहती हैं। और विशेष रूप से जो देखिए, आप लोग जो फौज में भर्ती होने वाले कैंडिडेट हैं, जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनको तो इस बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ होती हैं। एसएससी जीडी में आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिसमैच, फिंगर मिसमैच, डिस्ट्रिक्ट मिसमैच, फादर्स नेम मिसमैच, मदर्स नेम मिसमैच, यहाँ तक कि एक अल्फ़ाबेट ज़्यादा लग गया फॉर्म भरते समय, उनमें भी रिजेक्शन स्लिप देकर आउट कर दिया गया। री मेडिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना अनफिट कर दिया गया। उसको उन कैंडिडेट्स को हमने एडवाइस किया कि आप कोर्ट केस कीजिए, रिट याचिका दाखिल कीजिए। रिट याचिका कहाँ होगी, कैसे होगी, वो सब भी बताया। एडवोकेट से आप कैसे संपर्क करें, वो सब भी उनको बताया। और हमें बहुत खुशी है ये इस बात की कि दो हमारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो री मेडिकल में अनफिट हो गए थे, लेकिन उन्होंने जब नोटिस इशू हुआ उनका, तो उनको बिना कोर्ट के फैसले के ही उनको फिट मान लिया गया और वो कोर्ट की प्रक्रिया जो थी केस की, वो वहीं ख़त्म कर दी गई। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। रिजेक्शन वाले जो कैंडिडेट्स थे उनको हमने एडवाइस किया, डिस्ट्रिक्ट के रिजेक्शन के जो थे उनको एडवाइस किया, फादर्स नेम वाले जो हैं उनके भी मेडिकल हो गए हैं दोबारा। अब एक फैसला हम यहाँ पर आपको माननीय जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय का हम दिखाते हैं आपको। इसमें देखिए, कोई भी फैसला होता है तो उसका एक रिट नंबर होता है, ये WP, आप यहाँ देख सकते हैं WPC नंबर। अब यदि आपका भी कोई सिमिलर केस है तो आप ये नंबर जो है, और ये माननीय जम्मू एंड कश्मीर, ये आप अपने एडवोकेट को दिखा सकते हैं। वो पूरा डिटेल जो है वो उनको कहाँ से मिलेगा वो सब उनको पता होता है। कई बार कैंडिडेट्स हमें कॉल करते हैं कि हमें एडवोकेट को ये दिखाना है तो हम कैसे दिखाएं, तो ये जो है ये नंबर ही सिर्फ आपको दिखाना होता है यदि सिमिलर केस आपका है। अब इसमें देखिए कैंडिडेट कौन है, तो ये कैंडिडेट जो है, ये कैंडिडेट हैं एप्लीकेंट पिटिशनर इनको बोलते हैं, ये इनके एडवोकेट हैं। संघ लोक सेवा संघ, भारत संघ के खिलाफ ये केस होता है, तो इसमें रेस्पोंडेंट हैं ये। और ESGI जो गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं, असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो ये केस जो है भारत सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश होते हैं। अब मैटर क्या था उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, द पिटिशनर हैज़ अप्लाइड ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB एंड NIA अंडर द रिक्रूटमेंट स्कीम एडवर्टीजमेंट इन टर्म्स ऑफ नोटिस नंबर। ये आपका जो एडवर्टीजमेंट निकला था वो चाहिए होता है जब भी आप कोर्ट केस करते हैं। तो अब ये जो कैंडिडेट है, इनका मुख्य पॉइंट ये था कि उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया था, उस समय उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कठुआ फिल कर दिया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन में इनका डिस्ट्रिक्ट कठुआ था, लेकिन जब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल प्रोड्यूस किया तो वो डोमिसाइल में इनका डिस्ट्रिक्ट जो था वो उधमपुर था। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी प्रॉब्लम हुई जहां पर एक जिले को बांटकर दो जिले बना दिए गए। ऐसा आंध्र प्रदेश का एक कैंडिडेट भी था, उनका फैसला भी दिल्ली, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से हो गया। उनका जब उन्होंने फॉर्म भरा था उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट जो था वो बट गया और दूसरा डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल हो गया उनका, तो इस वजह से भी हो जाता है। अब इनका जब हुआ तो इनको रिजेक्शन दे दिया गया, लेकिन वो रिजेक्शन जो थी उसको इन्होंने चैलेंज किया। अब जब चैलेंज किया तो सरकार की तरफ से उस चैलेंज का विरोध किया गया कि विज्ञापन का जो 17 नंबर इंस्ट्रक्शन था उसमें ये बात साफ लिखी हुई है कि किसी प्रकार का कोई भी जो तब्दीली है उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डोमिसाइल फिल करते समय आप बहुत ही सावधानी रखें, क्योंकि ये भर्ती जो है ये राज्यवार है, स्टेट यूटी के अलग अलग वैकेंसी है। अब इस चीज़ का जब विरोध इन्होंने किया तो जो इनके एडवोकेट हैं उन्होंने अपनी बात रखी।
जो कैंडिडेट के एडवोकेट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो जो है जो ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है कि गलती से यदि कोई उसमें गलती हो जाती है तो वो करेक्शन करने दिया जाना चाहिए। साधारण भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये सबमिट किया गया, उसके बाद आगे क्या होता है, जो लास्ट में आ जाते हैं हम कि फैसला क्या हुआ, ऑर्डर क्या हुआ। ऑर्डर इसमें ये हुआ कि मेडिकल प्रक्रिया में इनको शामिल किया जाए कैंडिडेट को। इन द मीन वाइल, ये देखिए, इन द मीन वाइल रेस्पोंडेंट शैल अलाउ द पिटिशनर टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विच शैल बी सब्जेक्ट टू द फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम दिस कोर्ट। यानी रिट याचिका लंबित है। काफ़ी कैंडिडेट्स को ये डाउट होता है कि रिट याचिका तो लंबित रहेगी तो इस दौरान तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। देखिए, सब ऑर्डर हो जाता है, इंट्रीम ऑर्डर जिसको बोलते हैं। इट इज़ मेड क्लियर दैट अनलेस द मैटर इज फर्दर कंसिडर्ड द रिजल्ट ऑफ पिटिशनर शैल बी केप्ट इन सील्ड कवर। यानी कैंडिडेट को मेडिकल प्रक्रिया में शामिल करने का ऑर्डर जो है वो हो गया। कब हो गया? 26/2/2020 को ही हो गया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, आपको पता है। तो दोस्तों, यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है, आपको कहीं भी लगता है किसी भी स्टेज में कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे वो ITBP का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, या आपको कहीं किसी भी चरण में भर्ती प्रक्रिया से आपको आउट कर दिया जाता है और आपको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो आप माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको मजबूत रहना होगा, एडवोकेट आपको करना होगा, आपको पैसा आपको खर्च करना होगा। हमारा काम जो है वो देखिए आपको जागरूक करने का है कि कोई हमारा साथी जो है वो जानकारी के अभाव में वो अपना वर्दी पाने से वंचित नहीं रह जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये वीडियो से यदि किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति होगी तो वो एक सिंपल मैसेज हमें कर दें, हम इस वीडियो को ज़रूर हटा देंगे। यहाँ पर हमारा हमारा इंटेंशन किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो है जागरूक करने के लिए, कैंडिडेट्स को जागरूक करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।